विद्यार्थियों, मैंने एक नया संयोजन बनाने के लिए आपको दिया था। अव्यवस्था, अस्पष्टता, गपड़ छपड़, लीपा पोती आदि सब्जेक्ट्स आदि शब्द थे उसके लिए, संयोजन के लिए। संयोजन के शब्दों को समझना है हमें कि उसमें क्या मांगा जा रहा है, हमें क्या बनाना है। संयोजन के सक्रिय तत्व कौन कौन से होंगे, अक्रिय तत्व कौन कौन से होंगे, किस तरह से संयोजित किया जाए और चित्र कैसे सुंदर लगेगा, ये सारी चीजें देखकर हमें अंतराल को संयोजित किया जाता करना होता है। जब कभी हम एक अच्छा संयोजन बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रमुखतः हमें विषय पर ध्यान दिया जाता देना होता है कि हमें विषय क्या दिया गया है, उस विषय से संबंधित हमें चित्र संयोजित करना है। मैं कुछ चित्र बता रही हूँ, उसमें देखकर आपको ये लगेगा, ये समझ आएगा कि संयोजन अव्यवस्था क्या है, किस चीज से संबंधित है। कई पुरातन चित्रों को भी हम देखें तो कई मिथक चित्र ऐसे होते हैं जिसमें पक्षी बताया गया होता है और पक्षी पर चेहरा मानव का लगा देते हैं, या फिर ऐसी स्थिति जिसमें सारी आकृतियां मिली जुली स्वरूप में होती है, पैर किसके, पूंछ किसकी, चोंच किसका, और आकृति पूरी किसकी निकल कर आ जाती है। ये सारी अव्यवस्थाएं ही दिखाई दे कही जाती हैं, या आजकल की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, उसे भी हम अव्यवस्था के अंतर्गत ले सकते हैं। घपड़ छप्पड़ शब्द इसलिए कहा, इस नाम दिया है इस विषय संयोजन का, विषय इस शब्द को इस रूप में बताया गया है कि हम जो कलांकन कर रहे हैं उस कलांकन में मेवाड़ी शब्द है, यह गपड़ छप्पड़, लीपा पोती भी लगभग मेवाड़ी शब्द ही है। इसमें कलाकार किस तरह से रंगों का, रेखाओं का संयोजन करता है, एक साधारण इंसान को ये गपड़ छप्पड़ लगता है, ऊटपटांग स्थिति लगती है, पर एक बहुत सुंदर ही संयोजन निकल कर आता है। संयोजन में आजकल एब्स्ट्रैक्ट शब्द